अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो या वीडियो शूट कर रहे हो उस टाइम पे आपका गोरिल्ला पॉड है वो टूट जाए या फिर गिर जाए तो आप क्या करोगे? आई नो बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन उसके लिए आपको कौन सा गोरिल्ला पॉड यूज करना चाहिए कि आपके लिए आपके बजट के हिसाब से कौन सा गोरिल्ला पॉड सबसे बेस्ट होगा? क्योंकि भाई ये देखिए मेरा सस्ता वाला गोरिल्ला पॉड जो कि अब टूट चुका है और कैमरा बाल बाल बच गया। तो हमेशा आप अच्छे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपका जो कैमरा होता है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही महंगा होता है, तो इसलिए आपको हमेशा अच्छी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आज हम लोग करने वाले हैं जॉबी के गोरिल्ला पॉड की अनबॉक्सिंग, जो कि मैक्सिमम यूट्यूबर अच्छे अच्छे जो ब्लॉगर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो और यूट्यूब से रिलेटेड इक्विपमेंट से रिलेटेड सारी वीडियो मैंने लगा रखी आई कार्ड पे, आप देख सकते होगे वहाँ पे। और कोई भी दिक्कत हो आप मेरा इंस्टाग्राम का ये हैंडल है, आप मुझे यहाँ पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा गोरिल्ला पॉड जो कि अमेज़न से हमें इस तरीके से पैकेजिंग पे मिला था। तो चलिए ठीक है, इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका रैपर हमने हटा लिया। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गोरिल्ला पॉड फोकस एंड बॉल हेड एक्स। यहाँ पर इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 किलो का वेट इस पर आप डाल सकते हो, और इसी के साथ ही इसके कनेक्शन पॉइंट आपको दिए गए हैं। और ये एक्रा स्विस कंपेटेबल है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कुछ, और यहाँ पे दे रखा है आपको फ्लेक्सिबल रैपिंग लेग्स, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे। इसी के साथ ये रबराइज रिंग एंड फुट ग्रिप भी दे रखा है यहाँ पे, तो ओवरऑल बढ़िया लग रहा है। चलिए अब इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। यहाँ पे कट लगाना पड़ जाएगा। इसके अंदर से सबसे पहले मिलेगा आपको ये मैनुअल गाइड, जहाँ पे आपको पूरे इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे किस तरीके से आपको इसको इंस्टॉल करना है, कैसे माउंट करना है अपने कैमरे पे। तो आप यहाँ पे आप पूरी डिटेल इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। तो चलिए अब अंदर देखते हैं। इसके अंदर आपको एक बॉक्स मिलेगा, इस बॉक्स के अंदर तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा, खाली है पूरा। तो ठीक है, इसको हम साइड में रखते हैं और देखते हैं कि और मेन यूनिट के अंदर क्या है। अब ये निकला हमारा जॉबी का गोरिल्ला पॉड। वाओ, इसको पकड़ते एक प्रीमियम लुक आ रहा है, एकदम थोड़ा सा हैवी भी है ये, जो मेरा लास्ट वाला गोरिल्ला पॉड था उससे काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा दिख रहा है और काफ़ी ज़्यादा हैवी दिख रहा है। ये इसका बॉल हेड है, यहाँ पे आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप इसको इस तरह से रोटेट करेंगे, और ये अलग इसका दिया हुआ है जैक, ये अलग जैक दिया हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये ऊपर का जो कैमरा माउंट करने का होता है, ये बेस प्लेट जो होती है जिसे हम लोग कहते हैं, ये बेस प्लेट है, इसमें आप कैमरा और मोबाइल दोनों आप इसको माउंट कर सकते हो। और यहाँ पे ये तीन तरीके से ये रोटेट होता है, ये जो इसका ऊपर का हेड है ये आप किसी भी एंगल पर इसको शूट करना चाहें शूट कर सकते हैं। और ये बेस प्लेट है, ये इसी पर लगता है बेस प्लेट। तो ये पहले बेस प्लेट को हम इस राइट वाले जो स्क्रू है, राइट वाले व्हील से इसको टाइट कर देते हैं। तो इस तरीके से किसी भी एंगल पे आप इसको कैमरा और मोबाइल रख सकते हैं। अगर आपको 360 डिग्री पे इसको रोटेट भी करना तो भी ये रोटेट यहाँ से हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, जो कि हमारी वीडियो में जर्क आता है उससे काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प मिलेगी। इसमें जर्क आने का चांसेस एकदम ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि ये एल्युमिनियम मेटल पे है, तो काफ़ी हल्का और स्ट्रॉन्ग है ये, और पकड़ने में भी स्ट्रॉन्ग लगता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप वहाँ पे जाके इसको परचेज कर सकते हो। अगर कोई भी सवाल है तो ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।